वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, आज सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर जो एसटीसी खड़गपुर है उसका एक रिफ्रेशर बैच का क्वेश्चन है, जो कि आपका 22 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि आप लोग का एक घंटे का टाइम था और 50 आपका मार्क टोटल था, 50 क्वेश्चन था। तो चलिए देरी नहीं करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन भेजे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ एलएचबी कोच। देखिए एलएचबी कोच में आपका मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना जाएगा, 3.0 जाएगा, और आप लोग का आईसीएफ कोच में 3.8 जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग का, द रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड ट्विस्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच रूल ऑफ द फॉलोइंग DAR 1968 डोज स्पेसिफाई द पेनल्टी। देखिए जो डिसिप्लिन अपीयर रूल है इसमें पूछ रहा है कौन सा रूल हम लोग का पेनल्टी, जितना भी पेनल्टीज है उसको स्पेसिफाई करता है। तो आप लोग का ये हो जाएगा रूल 6 हो जाएगा, सी के साथ चलिए। द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शोज। देखिए जो भी एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर शो क्या करता है कि आप लोग एम्प्टी रहेगा येलो दिखाएगा, और आप लोग का जब भी लोडेड कंडीशन में रहना है उसमें ब्लैक में ही आपको सेट करना है, एम्प्टी लोड डिवाइस को ब्लैक में सेट करना है। तो ए के साथ चलिए। ट्रैवलिंग ऑफ बोगी इज डन टू चेक। देखिए ट्रैवलिंग किस लिए किया जाता है, ये आपका ट्रॉली या बोगी का स्क्वायरनेस के लिए चेक किया जाता है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ बी एम बी सी ऑफ आई सी एफ। देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं जो बी एम बी सी ब्रेक माउंटेड बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर आई सी एफ में जो यूज होता है उसका सिलेंडर का आपका डायमीटर पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 इंच का हो जाएगा, जो कि 303 mm के बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑयल इन ईच डैशपॉट। देखिए डैशपॉट में आपका 1.4 से 1.6 लीटर का आपका सेल्कोनिया ऑयल होता है, सर्वोलिन 68 उसका यूज किया जाता है। तो बी के साथ चलिए। ये फीमेल रेलवे एम्प्लॉय में भी ग्रांटेड मेटर्निटी लीव। देखिए फीमेल एम्प्लॉय जो रहते हैं मेटर्निटी लीव आपका 180 दिन का मिलता है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन फियाट बोगी। देखिए एक फियाट बोगी में आपका 9 हो जाएगा और एक कोच में आप लोग का 18 हो जाएगा आपका शॉक ऑब्जर्वर, या जो बोलते हैं डैम्पर बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 का संख्या में हो जाएगा, पूरे कोच में 18 का संख्या में हो जाएगा। हॉक बोल्टिंग यूज, देखिए हॉक बोल्टिंग जो यूज किया जाता है बक्सेन आर वागन में यूज किया जाता है। कंडोमिंग साइज ऑफ साइड बियरर वेयरिंग प्लेट ऑफ आईसीएफ बोगी। देखिए आईसीएफ बोगी में आप लोग का जो कंडोमिंग साइज रहता है साइड बियरर वेयरिंग प्लेट का 8.5 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ क्रेन यूज इन डिजास्टर विद इन KGP डिवीजन। जो खड़गपुर डिवीजन में आप लोग का डिजास्टर के लिए आप लोग का जो 140 टन बीडी क्रेन यूज किया जाता है ब्रेकडाउन क्रेन। इफ गैज इज फाउंड लेस देन 1670 mm ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक स्टारमेंट। जब भी आपका जो गैज हम लोग उसको मेजर करेंगे 1670 16 से 17 mm हो जाएगा, तो इसको हम लोग टाइट गैज बोलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रॉड गैज का 1676 है, तो ये यहीं पर 1670 mm हो जाएगा, तो ये टाइट गज कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रो। देखिए जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है ये आपका नॉन कंज्यूमेबल आपका इलेक्ट्रोड यूज होता है, MIG में आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम सब इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील। देखिए यहीं पर जो आपका आईसीएफ सॉलिड व्हील का आपका सॉप इशू साइज रहता है मिनिमम 837 mm का ही व्हील डाया आपका व्हाट्सअप से छोड़ा जाएगा, इससे कम नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए डायमेंशन ऑफ बक्सन। देखिए ये डायमेंशन बक्सन कितना होता है आप लोग का, मैक्सिमम वागन में आपका रहेगा 70 + 2 - 0, आपका BOBRN में रहेगा 27 + 2 - 0। तो ये चलिए ए डायमेंशन बक्सन 70 + 2 - 0 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रैक इन एक्सेल इज चेक्ड बाय। देखिए जो भी इंटरनल क्रैक रहता है उसको ESD के माध्यम से आप लोग चेक करते हैं, जिसको कि आपका पूर्ण रूप हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। CTRB यूज्ड इन बॉक्सन इज।
डैश टाइप, ये देखिए आप लोग का सीटीआर भी जो यूज होता है बक्सन वागन में, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, ये के टाइप का आपका मॉडिफाइड आपका सीटीआर भी यूज होता है के टाइप। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज रेस्ट्रिक्टेड अंडर रूल डेस ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, जो आरएससीआर के अंतर्गत जो भी आप लोग का चल अचल जो भी आपका प्रॉपर्टीज हम लोग रेस्ट्रिक्टेड है वो रूल 18 के अंतर्गत है। सी के साथ चलिए, डेस ग्राम ऑफ ग्रीच इज यूज्ड इन सीटीआरबी, देखिए सीटीआरबी में आप लोग का 400 प्लस माइनस 30 ग्राम का आप लोग का यूज होता है, ग्रीस यूज होता है। जैसे कि आप लोग का अभी लेटेस्ट सर्कुलर के अनुसार आप लोग का सीटीआरबी में 390 प्लस माइनस 20 ग्राम आप लोग का ग्रीस यूज होता है। तो चलिए ए के साथ चलते हैं, थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन डिक्स ब्रेक सिस्टम, देखिए जो डिक्स ब्रेक सिस्टम में नया ब्रेक पैड का आपका थिकनेस हो जाएगा 35 mm और कंडोमिंग हो जाएगा 7 mm। नेक्स्ट चलते हैं, कंडोमिंग व्हील डाय इन फियर्ड वगी फॉर वर्सअप, देखिए वर्सअप के लिए आप लोग का जो कंडोमिंग आप लोग का डाया हो जाएगा ये हो जाएगा 855 mm हो जाएगा, पहले 845 mm था अभी 855 mm हो गया है, और लास्ट शॉप इशू साइज हो जाएगा आपका 862 mm। ये देखिए ये हो जाएगा 862 लास्ट शॉप इशू यूज किया जाता है शॉप से आप लोग का 862 mm का इतना डायमीटर का आपका जो भी हम लोग ओपन लाइन में भेजते हैं बोगी उसमें मिनिमम चक्का का आप लोग का डायमीटर 862 mm रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एयर स्प्रिंग बॉगी गैप मेंटेन बिटवीन लोअर प्लंग एंड अपर प्लंग, देखिए जो एयर स्प्रिंग रहता है उसका बॉगी का गैप पूछ रहा है कि आपका लोअर प्लंग अपर प्लंग के बीच में कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 294 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम अपग्रेडेबल एक्सेल लोड ऑफ ए स्विंग मोशन बॉगी, देखिए जो स्विंग मोशन बॉगी रहता है इसका मैक्सिमम अपग्रेडेबल एक्सेल लोड कितना है 32 point, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग का 32.5 ton। फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक द ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इन बीएलसी वैगन, देखिए लॉकिंग करने के लिए कितना यूज होता है आप लोग का 600 केजी का फोर्स यूज होता है आप लोग का लॉकिंग करने के लिए यूज होता है 600 केजी का आप लोग का फोर्स रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, आप लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है SF7 रहता है, इसका मतलब हो गया आपका इंक्वायरी ऑफिसर को एंगेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम शॉर्टेस्ट रूट इज अलाउड इन प्रिविलेज पास, प्रिविलेज पास में सुविधा पास में आप लोग का जो डेविएशन रहता है शॉर्टेस्ट रूट के लिए ये कितना परसेंट होना चाहिए, 15% होना चाहिए। देखिए OSHA रेस्ट्रिक्ट लेडर्स फ्रॉम बींग हायर देन 20 feet, ये हो जाएगा 20 feet का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर यूज इन LHB कोच दैट कम्प्लीटली एलिमिनेट जर्क, हम लोग का जो भी LHB कोच में अभी ड्राफ्ट गियर यूज हो रहा है उसको बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट गियर BDG, बैलेंस ड्राफ्ट गियर, जिसके चलते आप लोग का कम्प्लीटली जर्क को रिमूव कर दिया गया है BDG। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर अटैच्ड विथ APM ऑफ BMBS बॉक्सन HL, देखिए बॉक्सन HL वागन में जो भी APM यूज होता है आपका ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस जो यूज होता है उसका कैपेसिटी या रिजर्वर पूछ रहा है, ये हो जाएगा 6.6 liter हो जाएगा। सी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, शॉप रिन्यूअल साइज ऑफ साइड वेयरर वेयरिंग प्लेट, ये देखिए 43.5 mm हो जाएगा, साइड वेयरर वेयरिंग पीस जो रहता है उसका आप लोग का रिन्यूअल साइज शॉप रिन्यूअल साइज 43.5 mm। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री हाइट ऑफ ACP ICF टाइप बोलेस्टर कॉइल स्प्रिंग, ये देखिए फ्री हाइट कितना होगा बोलेस्टर स्प्रिंग का OBAC का 400 mm होगा। नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर ऑफ कैसनप 22 NL बोगी, ये देखिए आप लोग का 33 का आपका हो जाएगा 16 mm हो जाएगा, ये पूछ रहा है नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस, लेटरल क्लियरेंस किस किस का बीच में साइड फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स एडाप्टर वो भी कैसनप 22 NL बोगी का, ये हो जाएगा आपका 16 mm। कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच फॉर ओपन लाइन, देखिए ओपन लाइन के लिए हम लोग का कितना हो जाएगा 855 mm हो जाएगा।
और आप लोग का व्हाट्सअप के लिए भी 855 mm है और 862 जो होता है लास्ट सॉप इशू साइज होता है। नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर इन आईसीएफ कोच। देखिए आईसीएफ कोच में हम लोग का एयर रिजर्वर कैपेसिटी 200 लीटर होता है। एलएचबी में आप लोग का अलग रहता है, एलएचबी हम लोग का ब्रेकिंग के लिए 125 लीटर यूज होता है, टॉयलेट के लिए 75 लीटर का यूज होता है और आप लोग का 150 लीटर का एयर स्प्रिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं द टोटल नंबर ऑफ रोलर्स इन सिटी आरबी। देखिए कटरी स्टेपर रोलर बियरिंग में आपका दो टो रो में 24 टोटल 48 नंबर्स आपका रोलर यूज होता है। सीएमटी डेजिग्नेशन इज एट पर विथ। देखिए सीएमटी डेजिग्नेशन आपका डीएमई के साथ होता है, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम परमिसिबल व्हील डायमीटर LWLH बोगी। LWLH बोगी कहाँ फिट होता है? BLC वागन में। तो इसका पूरा कि मिनिमम परमिसिबल नया में 840 होता है और मिनिमम कितना होता है? 780। तो सी के साथ चले स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। देखिए यहीं पर पूछ रहा है स्टैंडर्ड डायमेंशन डिस्टेंस बिटवीन नोच ऑफ नकल का नोच और गार्ड आर्म के बीच में 127 mm होना चाहिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर अपलोडेड इन डेस पोर्टल। देखिए जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको GEM आपका पोर्टल में अपलोड किया जाता है, ये हो जाता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट चलिए व्हिच फंक्शनलिटी इज नॉट अवेलेबल इन UDM। UDM में कौन सा फंक्शन नहीं है? यहीं पर लेजर है, इशू है, अकाउंटल है, लेकिन परचेज ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द POH पीरियडिसिटी ऑफ बॉक्स एंड वागन। देखिए ये हो जाएगा 4.5 ईयर्स और फास्ट POH पूछने से 6 साल। थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ LHB कोच। देखिए LHB कोच का जो थिकनेस रहता है आप लोग का 110 mm हो जाएगा और उसका जो अगर डायमीटर पूछना 640 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर इज अंडर व्हिच क्लास फायर। जो इलेक्ट्रिकल फायर रहता है वो क्लास सी फायर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलिए ISO 14000 इज रिलेटेड टू, ये एनवायरमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर पेयरिंग ऑफ साइड फ्रेम ऑफ कैसन ऑफ बोगी बटन डिफरेंस इज अलाउड। दो बटन डिफरेंस अलाउड किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसिबल अप टू क्लास, ये 12वीं क्लास तक दिया जाता है। कंडोमिंग साइज ऑफ डीप फ्लेंज, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 35 mm हो जाएगा, नया में आपका हो जाएगा 28.5 mm, कंडोमिंग हो जाएगा 35 mm। इन AC कोचेस टोटल टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट, देखिए AC कोच में टोटल कितना रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, ये 14 टन का यूज किया जाता है टोटल। नेक्स्ट चलते हैं द ड्वेलिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर DP टेस्ट, ड्राइव पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए ड्वेलिंग टाइम कितना होता है, ये इसको याद रखिए 15 मिनट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए चलिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जो सिस्टम है आप लोग जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं उसमें आप लोग को स्पीडी बनाना पड़ेगा, स्पीड चलना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अटेम्प्ट करना पाएंगे। और मैक्सिमम यहीं पर क्या होता है, यहीं पर फंडा यही है डिपार्टमेंटल एग्जाम का कि जो रिपीटेड क्वेश्चन एकदम आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम डिपार्टमेंटल एग्जाम में माइनस मार्किंग का दिया गया है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको बढ़िया से कीजिए। जो नया क्वेश्चन कुछ 8-10 क्वेश्चन बच जाएगा उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, और आप लोग वही क्वेश्चन के चक्कर में गलती करके ना आ जाए। तो जो रिपीटेड 80-85 क्वेश्चन रहता है उसको बढ़िया से कीजिए, बाकी को एकदम स्ट्रेट छोड़ दीजिए जो नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग के पास भी अगर कोई ऐसा आप लोग क्वेश्चन है तो चलिए आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, लिख लीजिए 9937400523। फिर और एक बार बोल दे रहे हैं 9937400523। चलिए यही नंबर है, इसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी आपके पास ऐसा पेपर हो तो चलिए शेयर कीजिए, सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें तो कोई फीस नहीं है तो आप लोग निश्चिंत होकर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।